Hello. Good morning. कल हमने कंफ्यूजन की बात किया था. पैसा सब कंफ्यूजन है. कितना कंफ्यूजन है वो बात किया था. रियली हम सब कंफ्यूजन है. तो हम प्रॉपर कब आएंगे? कंफ्यूजन तो रहेंगे जब हम दूसरे की नजर डालेंगे. तो कहते हैं कि दूसरे का जो ठंडा वजन होता है ना वो मीठा लगता है. और घर वाले चाहे इतना अच्छा बनाए चाहे इतना तो भी अच्छा नहीं लगता है. बाहर वाली अच्छी लगती है, घर वाली नहीं. ज्यादातर ऐसा होता है. तो समझते कि ये तो है हमारा, बाहर कब मजा आए. ऐसी कला में भी है कंफ्यूजन है. अमेरिका वाला करते ना और ये आर्ट मेरे घर में होता ना तो हम बोल सकते हैं अमेरिका का है. और हमारे यहाँ जो करते हैं ना वो कोई घर में रखेंगे कहते हैं इंडियन आर्टिस्ट बॉम्बे में यह है. इतना ज्यादा कोई नहीं दिया है तो बोला नहीं यार मेरे यहाँ तो मैं गया था मेरी कंपनी की ओर से तो तीन पेंटिंग अमेरिका से एक पेंटिंग क्या कीमत पता है $30,000 है. ओहो अरे यार यहाँ तो 15,000 में मिलता है. तू तो अमेरिकन आर्टिस्ट वैल्यू क्या है पता है? तो हम एकदम कॉलर ऊंचा करके गर्व लेते हैं. तो ये जो ये कंफ्यूजन है ये दूर करना है. नहीं होगा जब तक हमको बाहर की हवा अच्छी लगेगी तब तक हमें घर का माहौल अच्छा नहीं लगेगा. और जब तक घर का माहौल अच्छा लगने लगा ना तब बात और बन जाएगी, अलग होगी. वहां का फटा हुआ पेंट यहाँ फैशन है. वहां जो कहते ना एटमोस्फियर वातावरण के हिसाब से सब ड्रेस पहनते हैं. ब्लैक कोट है वहां ठंडी है एकदम. चौबीस घंटा ठंडी है ऐसा भी देश है. तो वहां उसको शरीर को गर्मी कंट्रोल करने के लिए तो ऐसा ही पहनना पड़ेगा. और यहाँ हमें कोट में तो यूनिफॉर्म बना दिया है. चाहे गर्मी ब्लैक कोट टाइप पहन के जाओ. अभी भी हमने धरोहर को हमने स्वीकार नहीं किया. उसका जो छोड़ा हुआ है ना वही अभी रखा है. यही तो हमारी मुसीबत है कि हम जल्दी चेंज नहीं हो सकते हैं. आजकल माहौल कुछ चेंज लगता है मुझे, थोड़ा सा बदलाव हुआ लगता है मुझे. पर अभी कला क्षेत्र में तो नहीं लगता है. कला क्षेत्र में तो अभी हम पीछे ही हैं. अभी हमारी कला को हम रिस्पॉन्ड बहुत कम देते हैं. इसलिए तो हमको दुबई में आर्ट फेयर में जाना. आर्ट फेयर क्या होता है पता है? फेयर किसका होता है? एंजॉय करने के लिए, आनंद करने के लिए. सस्ता माल फेयर में मिलता है, सस्ती वस्तु फेयर में मिलता है. वहां स्टॉल लगाओ, दुकान लगाओ. क्या पेंटिंग की दुकान होती है? आर्टिस्ट प्योर आर्ट करने वाले की दुकान होती है. और हम गर्व लेते हैं कि मेरा पेंटिंग दुबई में लगा है आर्ट फेयर में. कलाकार भी हम करते हैं आर्ट फेयर में. मेरा पेंटिंग सिलेक्ट हुआ था. अच्छी बात है आर्ट फेयर में सिलेक्ट हुआ और सही बात है. और यहाँ आठ आठ साल तक जहांगीर नहीं मिलती तो इसके लिए क्या? कहने का मतलब ये है कि हम हमारी औकात को भूल के चलते हैं कोई भी क्षेत्र में. क्यों भूलते हैं उसको स्वीकारो. इसका मीनिंग ये नहीं कि भूलो हैं? ये तो करो इसकी ना नहीं है पर इसको भी मत भूलो. एक दिन खड़कर बहुत बुरा दिन आएगा तब मैं तो नहीं हूंगा तो याद करना. अभी अभी देखा ने बहुत
लाखों रुपया खर्च के अमेरिका जाते थे, क्या हालत हो रही है देखा, इसका घर तो इसका घर है, हम तो भाड़े गए हैं, तो निकालेंगे आदमी कल। इस आर्ट में भी होगा, एक पीरियड आएगा, हाँ आ गया है, क्योंकि मैं दो बार तीन बार बाहर गया हूं ना, मुझे तो फील हुआ है, बहुत फील हुआ है। इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में जितना बाहर यूरोपियन कंट्री का जितना पेंटिंग लगता था, इसमें एक दो इंडियन आर्टिस्ट का सिलेक्शन होता था। इतना बड़ा देश है, दुनिया का सेकंड नंबर हमारी ये है पॉपुलेशन है, और इतना सारा आर्टिस्ट है, तब दो तीन एक शिल्प और पेंटिंग सिलेक्ट हुए, कितनी बुरी बात है, क्या हम कुछ नहीं जानते उसके आगे? ऐसा है, एक वर्क मैंने देखा और समझ के मुझे ऐसा लगा, नहीं बोलूंगा, मुझे लगा इससे अच्छा तो आपको लगेगा, ऐसा थोड़ा है, कोई दुख लगे ऐसा नहीं कहने का है। कहने का मतलब ये है कि आप जो वर्क कर रहे हो इसमें इंडियन सुगंध तो आना चाहिए, कलर में आना चाहिए, रेखा में आना चाहिए, रंग में आना चाहिए, सब्जेक्ट में लो ना लो मैं कुछ नहीं कहता, पर इंडियन सुगंध आना चाहिए। सुगंध ऐसा नहीं कि फूल में आता है, सुगंध कलर में होता है तभी तो फूल अच्छा लगता है, सुगंध रंगों में सुगंध दिल की होती है और नाक की नहीं होती, दिल खुश होता है एकदम, जितना सुगंध से हम खुश होता है इतना ही कलर से खुश होते हैं, इतने फॉर्म से खुश होते हैं, इतने आकार से खुश होते हैं। तो ये जो सौंदर्य शास्त्र ना लगा है वो रख के करो, सौंदर्य शास्त्र जितना हमारे देश में आर्ट में बना है ना, सौंदर्य शास्त्र को लेके इतना बहुत कम देशों में बना है, कम देशों में बना है, इतना हमारे देश में बना है, इतना हमारे यहाँ रिस्पॉन्स कम मिलता है वो मुझे पता है, तो वहां भी ऐसी हालत है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी हालत है, और आजकल तो सब एक प्रॉपर्टी मान के अथॉरिटी लेके बैठ गए बीच वाले, डायरेक्ट आर्टिस्ट को तो कोई पूछता ही नहीं है, डायरेक्ट आर्टिस्ट का कोई कॉन्टेक्ट ही करता नहीं है, डायरेक्ट आर्टिस्ट को कोई जवाब ही देता नहीं है, डायरेक्ट आर्टिस्ट को तो कोई ऐसा होता है वो लेके उसके पास ले जाता है तब आर्टिस्ट का और रिस्पॉन्स मिलता है। तो भी हमारे यहाँ अच्छा है, एक मेरा फ्रेंड है यूएसए में लगभग 30 साल से है, वो इतना अच्छा यहाँ वर्क करता था, इतना फाइन वर्क था, उसको रिस्पॉन्स भी अच्छा था, तो उसको वहां का दूर से डूंगर अच्छा लगता वैसा उसको था, गया वो गया तो गया रह गया, अभी फोटोग्राफी करके जीवन निकाल दिया, बराबर वर्क जाता है कभी कभी, एक कोई गैलरी वाला गैलरी आर्टिस्ट बन के रह गया, गैलरी आर्टिस्ट बनना बुरी बात नहीं है, पर इंडिविजुअल खुद का स्टूडियो, खुद का वर्क डेवलप करो, खुद का आर्ट करो, वो जो हमारा स्वमान है वो गैलरी आर्टिस्ट में नहीं है। गैलरी आर्टिस्ट का मजबूरी बहुत बड़ी है, वो जो करता है वो खुद जानता है, और वो जानता है वही समझता है कि अब ये पोजिशन आर्टिस्ट क्या हो जाती पता है, लिया मतलब गया तो निकल नहीं सकता, ये पोजिशन है उसको, मैं निकल के इतना पैसा कमा सकूंगा, तो वो कैसा क्या कमाता है और आर्ट कैसा उसका जाता है वो जानता है। हम इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम स्वतंत्र जो कर रहे हैं और हम स्वतंत्र जो आगे बढ़ रहे हैं, और वो जो हम छाती फुटा के कहते हैं वो नहीं कर रहे हैं। मैं अभिमान गर्व की बात नहीं करता, मैं सम्मान की बात करता हूँ, सम्मान हमारे पास ब्रश है, हमारे पास माइंड है, हमारे पास काम है, तो हम क्यों किसी को हमारा ये अपना बेटी बेटा है उसकी सगाई करना मैरिज करना हम कितने घर ढूंढते हैं, कितने लोगों को देखते हैं, कितने लोगों को पूछते हैं तब हम शादी करते हैं। जो और जिम्मेदारी हमारी ऐसी हमारी कला जो सृजन इसमें जिम्मेदारी हमारी है कि कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किसको देना है, कैसे देना है, मगर दे दिया
बाद में क्या हुआ वो देखते नहीं है, तो वो आपकी फीलिंग नहीं है, वो आपका एक दे देने का मीनिंग है, पैसा पकाने का है। तो वो तो कुछ भी काम करो पैसा मिलेगा, ऐसा थोड़ा है अच्छा हार्ड वर्क करके तुम पैसा कमाओ, ऐसा थोड़ा है। और कोई भी काम में पैसा मिलता है, कोई भी काम कर सकते हैं। रियल आर्ट को आपको कहना है, रियल धरोधर को समझना है, कल्चर को समझना है, देश को समझना है, समाज को समझना है, कुछ देना है, भावी में कुछ देना है, कुछ हमारा कल्चर में देना है, ऐसा सोच के करो। तो उसके लिए तो देखना पड़ता है कि पेंटिंग कहाँ जाएगा, ये वर्क कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और कैसे रखेंगे, वो सब देखना पड़ता है। तभी ये कोई जिम्मेदारी व्यक्ति को, समझने वाले व्यक्ति को, तो वो आपका एक हिस्ट्री बनता है। अब जिंदा मिलो, पहले बोला जिंदा रहना है, हमको मरने के बाद भी जिंदा रहना है। मैं बोला मेरी माँ कभी मरी हुई मुझे लागी नहीं, वो जिंदा थी तभी मुझे मेरे परिवार के हिसाब से उसने दुख बहुत हुआ था, मैं हाजिर नहीं था, आया तो बाद में बहुत देर हो गई थी, बहुत देर हो गया था। और जब गया वो जाने, वो मेरी पर्सनल मैटर है, मेरे परिवार की मैटर है, सामने जो बोले जिसको बोलना जानने वाला बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कला पे बात करता हूँ कि कला आपको जहाँ रखना है वो कैसे रखना है, कहाँ रखना है, वो बात है कैसे। और हमारी कला, मैं बोला हमारी कला रखना है। तो वो सब बात कला के बारे में आजकल मैं बहुत करने लगा, ये 3-4 दिन या 5 दिन से बात किया है। तो इसमें से कोई भी आपको वीडियो देखो बाद में, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो मेरी प्रोफाइल है उसमें, मेरा वेबसाइट है उसमें से मैं मेरा कॉन्टेक्ट आप करके बातचीत कर सकते हो। और आगे भी मैं ऐसी बात करता रहूंगा, परिवार के हैं आप, मुझे पता है कि आपको परिवार में भी बहुत तकलीफ होता है, और बहनों को खास तकलीफ होता है वर्क करने की, क्योंकि उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी। मेरी वाइफ, मेरे ये बेटे के बहू सब करते हैं, मुझे पता है, मेरी बेटी भी करते हैं उसके भी, मुझे पता है अनुभव। मैं अनुभव से ही बोलूंगा, सब कुछ बोलूंगा, अनुभव पहले करूंगा, खुद को चिटकी भरूंगा कैसा दर्द होता है, वो दर्द जब दूसरे को हम कहेंगे तो दर्द होता है, तो वो फील हम कर सकते हैं। तो बहन लोग जो काम कर रही है उसको चांस नहीं मिला, अंदर से बाहर निकाल के काम करिए, उसको कितना दर्द करने में होता है वो मैं जानता हूँ, कितनी मुसीबत होती है मैं जानता हूँ। तो उसको जो अच्छा काम करती, जो बहन करती रही, जो भाई करता है, युवान करता है, हाँ उसको इकोनॉमिक तकलीफ है तो एजुकेशन ले लो, फॉर्मेलिटी एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन ले लो और अच्छा जॉब करो और साथ में काम करो। वो भी बोल रही मैं यही किया ना, कॉलेज में पढ़ा था तो पेंटिंग करता था, क्योंकि इकोनॉमिक हमारी सदृढ़ता नहीं होती, हमारा धरोहर में कुछ नहीं होता, हम परिवार से कुछ नहीं होता, तो हमको एक टसल सहन करना पड़ता है। जिसके पास प्रॉपर्टी बागदा जाती है वो जो करे करेगा, उसको कहने की जरूरत नहीं। मैं आज यहाँ ये तो छोटा सा करके पूरा करता हूँ, और आर्ट वर्क का दूसरा जो एक दो टॉपिक है वो मैं बाद में बात करता हूँ, और आर्ट का ही करूंगा बात। आर्ट एक टॉपिक नया है मेरे पास, वो है आर्ट और समाज, आर्टिस्ट और समाज, आर्ट को समाज में आपको कैसे ले जाना है, कहाँ ले जाना है, और कैसा आर्ट वर्क करके ले जाना है, जो वो तो अनुभव से करोगे आप। इसमें मुझे ज्यादा कहने की चर्चा तो मैं करूंगा, मेरी हैबिट के हिसाब से डिस्कस तो करूंगा, और ज्यादा कुछ हो जाए तो माफ करना, पर जो कहूंगा और सही कहूंगा, सच कहूंगा, और आर्ट आपका देखते रहूंगा। मैं फेसबुक पे बहुत सारे आर्टिस्ट का, कम से कम 11,000 आर्टिस्ट मेरे कांटेक्ट में कम से कम है, 7 साल हुआ फेसबुक पे, 6 साल हुआ, तो उसका बेनिफिट भी सबको मिलेगा, और मुझे भी ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, आपको भी ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, करते रहो, मैं पूरा करूँगा।